एके मिश्रा राजनीतिक विशेषक हैं, अपनी बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं, मेरे चर्चा कर रहे हैं ना। तो एके मिश्रा जी, आज से 10 दिन पहले आपने कहा था कि आएगी तो बीजेपी सरकार, है ना, आएगी तो बीजेपी सरकार, लेकिन ये तो बीजेपी ने चौंका दिया, बीजेपी ने चौंका दिया, दूल्हा ही बदल दिया। किस नजरिए से देखेंगे आप? पिक्चर अभी बाकी है। चाला जी, मेरी जो लास्ट डिबेट आपसे हुई थी, मैंने बोला था कि इसको रिकॉर्ड पे रखिएगा, और वो वीडियो मैंने डाउनलोड करके अपने यूट्यूब चैनल पे लगाया भी है। मैंने क्या कहा था ये मुझे याद है, आप शायद भूल रहे होंगे। सारे पत्रकारों ने ये सब बोला कि ये बीजेपी के जो लीडर हैं फडणवीस को मुख्यमंत्री की बधाइयां देने लगे। मैंने कभी नहीं बोला था कि फडणवीस को जो है मुख्यमंत्री, आज तक मैंने नहीं बोला कि फडणवीस जी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। मुझे थोड़ा टाइम दीजिएगा और बीच में मत बोलिएगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है पॉलिटिकल कंसल्टिंग और पॉलिटिकल पॉलिटिक्स में जो लोग रिसर्च का टॉपिक है, जो इंटरेस्ट रखते हैं। मुझे 3 ऐतिहासिक कैरेक्टर बहुत याद आ रहे हैं इस तरफ। एक चाणक्य के अगेंस्ट में मुद्रा राक्षस भी एक था। बहुत लोगों को नहीं पता होगा मुद्रा राक्षस कौन था, आप सर्च कर लीजिएगा, मैं नाम नहीं लूंगा नहीं तो उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी। एक चाणक्य, एक मुद्रा राक्षस। अंग्रेजों के टाइम में पुणे में जो सेंटर था मराठा पॉलिटिक्स का, एक बहुत बड़े डिप्लोमेट हुए थे, एक मंत्री थे नाना फडणवीस। तो फडणवीस जी भी है, जिस कास्ट के फडणवीस है उसी कास्ट के वो नाना फडणवीस थे। उनको मराठा का पर्टिकुलर उस टाइम के लिए चाणक्य बोला जाता था राजनीति का। अंग्रेजों को बहुत बार उन्होंने धूल चटाई थी। देखिए, मैंने ये बोला था कि सबसे पहला जो प्रॉब्लम है एनसीपी के लिए भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम कौन था, बीजेपी के लिए भी सबसे बड़ा चुनौती देने वाला कौन था, स्पेशली बाला साहब ठाकरे के मृत्यु के बाद, वो थे शिवसेना नहीं थी। शिवसेना की आइडियोलॉजी, अगर पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल लेवल पर देखें तो शिवसेना और बीजेपी में डिफरेंस नहीं है, लेकिन उद्धव ठाकरे और संजय राउत ये बहुत बड़े रोड़ा बन गए थे। एनसीपी ने भी अपना रोड़ा साफ किया। सारे पूरे 2.5 साल के प्रकरण में अगर इमेज किसी की खराब हुई है, नेस्तनाबूद हुई है, तो 2 लोगों की हुई है, उद्धव ठाकरे की एज ए लीडर और दूसरी संजय राउत जी की हुई है। अब देखिए, बीजेपी का यहाँ जो ग्रेट गेम प्लान है, आप उसको समझिए। ये तो इन्होंने प्रीलिम एग्जाम क्वालिफाई किया है कि पहले सरकार बनाना और उप मुख्यमंत्री, हालांकि ये उप मुख्यमंत्री भी नहीं बनना चाहते थे, लेकिन हाईकमान का जो ग्रेट गेम प्लान है वो एक डिफरेंट चीज है। तो गेम प्लान बताइए ना। ऐसा नहीं है। क्या गेम प्लान है? मैं बता रहा हूं। देखिए, नेक्स्ट गेम प्लान ये है कि शिवसेना का उत्तराधिकारी कौन है, सिंबल किसका होगा। अब देखिए, बीजेपी शिवसैनिकों को नहीं खोना चाहती है, उसके पीछे कारण है कि शिवसेना ने जो अपना कैडर बनाया है गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में, वो कोई भी पार्टी नहीं बना सकती है, और अगर बनाएगी भी तो उतना डेडिकेटेड कैडर मिलना बहुत मुश्किल है। तो जो उसका कोर है, जो अच्छी चीज है, वो कोई भी पार्टी नहीं खोना चाहेगी। उद्धव जी जो कुछ आइडियोलॉजी से भटक गए थे, उनको रास्ते पे लाने के लिए ये काम किया गया। ऑप्शन 2-3 है, मैं आपको बता दूं जो ग्रेट गेम प्लान होगा। राजकार्य चलाते रहेंगे दोनों की आइडियोलॉजी। एके मिश्रा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बहुमत साबित करना है अब तो? भैया, ऐसा ना हो कि ये सारे खिसक जाएं, इससे अच्छा ये है कि इन्हीं के नेता को मुख्यमंत्री बना दो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि ये सारे खिसक जाएं, ऐसा भी नहीं है। उनके ऑप्शन अगर होता, पीछे से खेलना होता, तो ऑप्शन बहुत सारे थे, बाहर से दे देते, किसी और को वो कर देते। लेकिन अब ग्रेट गेम प्लान क्या है? देखिए, अभी क्या होगा, अगली लड़ाई होगी इलेक्शन कमीशन में, वो फ्लोर वगैरह पे विधानसभा में नहीं होगी, कि पार्टी का मालिक कौन है। और अगर उद्धव जी को इस वक्त जो सबसे बड़ी चुनौती है कि पहले शिवसेना के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इस चीज को बचा ले, सिंबल को बचा ले। मेरी पॉसिबिल वहां पे ये होगा कि शिवसेना के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है या पार्टी के जो मालिक है, वो एकनाथ शिंदे डिक्लेयर हो जाए। अगर एकनाथ शिंदे डिक्लेयर हो गए, इस लड़ाई में जीत गए, तो पूरी की पूरी शिवसेना, पूरा का पूरा कैडर, जो भी अच्छाइयां हैं, यहाँ आ जाएंगी। ओके, ये शिंदे बॉस बने। मेरी बात खत्म होने दीजिए, मैं आ रहा हूँ। एके मिश्रा जी, एके मिश्रा, तो यही तो हुआ। सत्ता तो चाहिए थी, लेकिन बीजेपी ने अपना गेम प्लान बदल दिया। लेकिन फॉर्मूला तो वही रहा ना, कि शिव सैनिक को मुख्यमंत्री बनाओ। नहीं, देखिए, भारतीय राजनीति में इसको बोलते हैं कांटे से कांटा निकालना। शिवसेना से उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में जो चीजें अपेक्षित नहीं थी, वो सब करने लगे।
इससे मराठा मानुष पूरे देश की जनता भी नाखुश थी। अभी आप बार बार ये बोल रहे थे कि एनसीपी के ये आ गए, वहां के ये आ गए। मैं आपको भारतीय राजनीति का एक चरित्र बताता हूं। चाणक्य ने जब घनानंद को, मगध के राजा को खत्म कर दिया, तो आपको पता है मुख्यमंत्री या महामंत्री महामात्य किसको बनाया था? मुद्रा राक्षस को। और मुद्रा राक्षस कौन था पता है? चाणक्य के खिलाफ था वो। और घनानंद जो राजा थे उनका वो महामंत्री था, हमेशा वो चाणक्य के खिलाफ था। चाणक्य चाहता तो उसको मरवा सकता था, लेकिन भारतीय राजनीति में विश्वास करने वालों का दिल हमेशा ही बड़ा रहता है। तो आप मुझे परिवर्तन हो जाए, स्वागत है। मैं आपके ज्ञान को चुनौती नहीं दे रहा, लेकिन मुझे एक उदाहरण तो बता दीजिए। एके मिश्रा जी, कोई ऐसा राज्य मैं तो देख रहा था, मेरे को नहीं मिला, जहां पर पहले सीएम रहते हुए उस शख्स को कहा गया और डिप्टी सीएम बना दो। कोई ऐसा राज्य? पहले सीएम रहा और फिर डिप्टी सीएम बना दिया उसको। चावला जी, कुछ लोगों के लिए पद बड़ा महत्वपूर्ण होता है। मैं कुछ राजनेताओं के नाम बता सकता हूं जो कि पद के लिए कुछ भी कर लेंगे। अब उनका नाम मुझे मत गिनवाइए। अच्छा, बात ये सारी लड़ाई आइडियोलॉजिकल लेवल पे चल रही है, मैं आपको बताऊं। आप मुझे ये बताइए कि ऐसी कौन सी आइडियोलॉजी उद्धव ठाकरे और संजय राउत जी ने, शिवसेना की कौन सी आइडियोलॉजी थी जिसको इन्होंने जिंदा रखा? हर काम इन्होंने आइडियोलॉजी के खिलाफ किया। अगर आइडियोलॉजिकल वैमनस्य खत्म हो जाए और राष्ट्र निर्माण के लिए आइडियोलॉजी सेम होती है, तो यहाँ पे आप ये देखिए बहुत सारे ऐसे भी राजा अच्छा, तो सेवा की लड़ाई हो रही है, आप मुझे बता रहे हैं मेवा से भिन्न विभाग के थे, भिन्न भिन्न जगह के थे, लेकिन आइडियोलॉजी उनकी सेम रही है। ओमकार जी, आइडियोलॉजी ओमकार जी, एके मिश्रा कह रहे हैं सेवा की लड़ाई है, मेवा की नहीं है। ये तो त्याग किया है इन लोगों ने, त्याग है ये, जिसे आप कह रहे हैं कि सत्ता की भूख है। जो त्याग किया है वो दुनिया देख रही है। मिश्रा जी का अपना भी हो सकता है, हम उसको चैलेंज नहीं करते हैं। लेकिन जो ये श्रीमती सोनिया गांधी करती हैं कि उन्होंने बोल दिया हम प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, उसकी भी कहानी बता दीजिए, इनसाइड स्टोरी। अरे साहब, इतिहास हद हो गई, जमाने की पार्टी है, राजनीति आप लोगों ने सिखाई है। वो तो नाराज क्यों हो रहे हैं? कहां सोनिया गांधी जी इसमें आ गए? हम तो आपके व्यू की बात कर रहे हैं, आप सीधे सोनिया गांधी पर पहुंच गए। मैं याद दिला रहा हूँ, सोनिया गांधी ने भी त्याग किया था। उन्होंने त्याग किया, इन्होंने त्याग नहीं किया। ये तो मुख्यमंत्री बनने की लाइन में थे, इनको कह दिया गया कि आपको नहीं बनाएंगे, क्योंकि फडणवीस आपको पहले से ही केंद्र नहीं चाहता था, मुख्यमंत्री बना गया। पहले बोल दिया था, पहले डिक्लेयर कर दिया हम मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, सरकार में शामिल नहीं होंगे। जब इनको पता लग गया नहीं बनाया जा रहा है, जब इनको पता लग गया नहीं बनाया जा रहा, तब इन्होंने क्या, ये तो भाग के गए थे बनने के लिए मुख्यमंत्री? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। बात सुन लीजिए, हम भी राजनीति करते हैं, हम बच्चे नहीं है, और आपसे भी उम्र में बड़े ही होंगे, कम छोटे नहीं होंगे। तो हम राजनीति बोलिए, आप नहीं देख रहे हैं, हम बहुत पहले से देख रहे हैं राजनीति को। हम राजनीति के दाई है, राजनीति की हम दाई है। हमने कई प्रधानमंत्रियों को प्रधानमंत्री बनते देखा है, कई मुख्यमंत्रियों को मैंने रिक्शे पे चलते हुए देखा है, और मुख्यमंत्री बने हैं, आज अरबपति खरबपति हैं। तो हम सबको जानते हैं, क्योंकि हम इसके पहले सरकारी सीमा में थे, और उत्तर प्रदेश के निवास के मुख्य व्यवस्था अधिकारी थे, जहां मुख्यमंत्री और गवर्नर ठहरते हैं। तो इसलिए हम जितना जानते हैं उतना आप नहीं जानते, एक चीज। दूसरी चीज ये है, मत दीजिए, मैं चुनौती कभी नहीं बता पाऊं। नहीं नहीं, चुनौती नहीं दे रहा हूँ, अपने बारे में बताना शुरू कर दूंगा। मैं चुनौती मैं चुनौती नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आप कह रहे हो यहाँ पे सिस्टम क्या है। व्यक्तिगत इंटरेस्ट नहीं है, आप कौन है इसमें, हैसियत नहीं है डिबेट के पॉइंट पे, भी मेरी मेरा इंटरेस्ट है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं कोई बात नहीं, आपको इंटरेस्ट है कहने का, आप इंटरेस्ट लीजिए, आप इंटरेस्ट मत लीजिए, हमें कहा करें इंटरेस्ट लीजिए आप। सवाल इस बात का नहीं, मैं बता इसलिए रहा हूँ ताकि मेरी बात को आप समझें कि हाँ मैं जो कह रहा हूँ तो सत्यता होगी, तभी मैं कह रहा हूँ। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत बड़े मारखा हूँ, बहुत बड़ी चीज हूँ, उसलिए नाराज मत होइए। यहाँ तो बातचीत हो रही है, विचारों की बातचीत हो रही है, आप भी अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं, अपना विचार व्यक्त कर रहे हैं। नाराज होने से कोई ना तो आप बन जाओगे ना हम कुछ बन जाएंगे, और आज यहाँ बैठे हो पता नहीं आके मिले कि ना मिले, फिर बैठेंगे मिलेंगे, तो हमारी आपकी दोस्ती बनी रहनी चाहिए ना। मैं समझता हूँ आप किसी पार्टी में तो है नहीं, तो आप किस लिए एक पर्टिकुलर पार्टी के नेता से नाराज हो जा रहे हैं, एक चीज। दूसरी चीज मैं जो कह रहा हूँ, फडणवीस आपकी बात, ये कोई नई चीज नहीं है कि जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं, बहुत से उदाहरण।
जीतराम मांझी साहब का दावा आपके सामने है, नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में मंत्री थे, बाद में चीफ मिनिस्टर हुए, फिर उन्हीं के मंत्रिमंडल में मंत्री हो गए। रामलोचन यादव जी जनता पार्टी में चीफ मिनिस्टर थे, बनारसी दास जी जब चीफ मिनिस्टर हुए तो फिर उनकी पार्टी में उसी मंत्रिमंडल में वो चीफ मिनिस्टर हो गए। इसी तरह से एक बिहार के और चीफ मिनिस्टर थे, शायद गफूर साहब थे, पहले चीफ मिनिस्टर है, बाद में फिर वो मिनिस्टर हो गए। नहीं नहीं, ये आपका घर क्यों टूट रहा है ओमकार जी? आपका घर ही क्यों टूट रहा है? वो कह रहे थे संजय जी कि भाई डर तो उन्हीं को होता है जिनके मन में, हमारा डर नहीं है, हमारी चिंता है। हमारी चिंता ये है कि बार बार जो सत्ता में आता है वो सरकार में सोचता है कि ये सरकारें जो आया राम गया राम न बने और ये तोड़फोड़ न हो, उसके लिए नियम बनाता है। और नियम बनाने के बाद भी हम विधायक दल के लोग जो है वो नियम को तोड़ के दूसरी तरह से फिर उसमें घुस जाते हैं। तो सवाल इस बात का है, जनता कहीं हमारे पर अविश्वास न करने लगे कि हम तो उसको जनता किसी को चुनके कहीं भेज रही है और वो अपने स्वार्थ में तोड़ के भाग जा रहा है दूसरी जगह। ओके, जल्दी से परमवीर जी आपके पास आ रहा हूँ। ओके, जल्दी से। इस चीज की चिंता इसलिए है कि अभी ये तो अच्छा लग रहा है, कभी भाई साहब ऐसा भी हो सकता है कि कभी बड़ी चूट हो जाए और देश खतरे में पड़ जाए, तब क्या होगा? इसलिए थोड़ा सा इस पर लगाम लगाइए और इससे कोई फायदा नहीं है। सरकार बनाइए, सरकार जनता को बुझाइए, चुनाव लड़िए, जीतिए, सरकार बनाइए और 5 साल काम कीजिए, परीक्षा दीजिए। एके मिश्रा, क्विक रिएक्शन, ये लोकतंत्र खतरे में है या ये लोकतंत्र की जीत है? नहीं, ये लोकतंत्र की जीत है। देखिए है क्या, बीच में 10-15 दिन का डिस्टरबेंस हुआ, चुनाव में जाना फिर से, या जिस तरह से राउत साहब बोल रहे थे हम सड़क पे देखेंगे, वो तो नहीं हुआ। बड़े शांति से, ना कोई हा हुल्ला हुआ, ना अमर्यादित शब्दों का प्रयोग हुआ, ना पत्थर चले, ना कुछ हुआ, और सरकार फिर से बन गई। तो यही तो लोकतंत्र है। ठीक है, एक विचारधारा के लोगों में मन मुटाव हो गया, शांति के साथ बैठ करके एक सरकार फिर से बन गई। लोकतंत्र में यही तो होता है। तो ये लोकतंत्र की जीत है ना परमवीर जी? सरकार बनाते तो तब लोकतंत्र की जीत होती। तो ये लोकतंत्र की जीत तो हर राज्य में हुई। मैं तो बोल रहा हूँ कि उद्धव जी और राउत ही सरकार बना लेते हैं। अरुणाचल में राउतों की सरकार बचा लीजिए। राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी लोकतंत्र की जीत हुई, कर्नाटक में भी लोकतंत्र की जीत हुई, गोवा में भी लोकतंत्र की जीत हुई, उत्तराखंड में भी लोकतंत्र की जीत हुई, हुई ना एके मिश्रा जी? यही लोकतंत्र की जीत आप मुझे समझा रहे हैं? ओके, मैं समझ गया। जहां जहां कहीं पे भी संविधान के प्रावधान के हिसाब से मेजॉरिटी कभी कम कभी, अगर क्लियर कट मेजॉरिटी नहीं आई है तो मेजॉरिटी कम ज्यादा होती रहती है। तो सर मेजॉरिटी तो आई हुई थी, एक सारी मर्यादाओं का पालन कौन से सरकार बनाए? एके मिश्रा, मुझे कौन से गलत सरकार? शिवसेना और बीजेपी ने मिलकर सरकार बनाने की कोशिश की, दोनों सत्ता में आए, लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी थी, शिवसेना ने कहा हमें मुख्यमंत्री बनना है, बीजेपी ने कहा कि हम 106 हैं, आज आप 40 को कह रहे हैं मुख्यमंत्री और कल 56 थे ये, तो फिर आप ये कह रहे हैं कि कौन सी सत्ता की लड़ाई नहीं है? देखिए, कौन पार्टियां, पार्टियों की हैसियत जो होती है वो संख्या दल पे होती है, विधायकों पे संख्या बल के आधार पे ही क्या यहां ये हुआ? कल आपके एक पद में नहीं थे, कल आज 40 में आ गए। पार्टी के सारे विधायक त्याग पत्र दे दे तो पार्टी का क्या वजूद रहेगा? मुझे बताइए, मैं देख रहा हूँ जनसेवा। संवैधानिक नियम तो ये है कि पार्टी में जब तक विधायक है तब तक पार्टी का वजूद है। ओके, परमवीर, सारे विधायक निकल गए तो उस पार्टी का क्या वजूद रहा? मैं उसी भविष्य की बात जी जी विश्वास जी, आपको शायद ज्ञान नहीं है, जानकारी नहीं है, ज्ञान पढ़ी होगी, जानकारी नहीं है। कई बार ऐसा हुआ है, इंदिरा गांधी जी जब कांग्रेस में डिवीजन हुआ था तो सब लोगों ने कहा था कि हम ही कांग्रेस है, लेकिन कांग्रेस जो होता है, पार्टी जो होती है, वो उसके पदाधिकारियों के हिसाब से होती है कि जो चयन किए हुए पदाधिकारी होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जिसकी संख्या ज्यादा होती है, पार्टी का सिंबल उसी को मिलता है, पार्टी की मान्यता उसी को मिलती है। इसलिए ये कहना गलत होगा, अगर विधायक चले जाएंगे आप जो बता रहे हैं वो डिसीजन होता है इलेक्शन कमीशन में, मैं बात कर रहा हूँ बिहार सरकार की। मैंने इलेक्शन कमीशन की बात नहीं की, मुझे पता है। नहीं नहीं नहीं, मुझे एक चीज ये बताइए, सरकार में किसी पार्टी के सारे विधायक छोड़ के चले गए तो क्या विधानसभा में उस सरकार का कोई अस्तित्व रहेगा? नहीं, अगर वो शिवसेना कहेंगे,
मिश्रा जी, अगर वो शिवसेना अपने को कहेंगे तो उनकी मान्यता खत्म हो जाएगी, उनकी सदस्यता खत्म कर जाएगी। आप देखते रहिएगा कहाँ हम जा रहे हैं, कहाँ आप जा रहे हैं। पड़ेगी सदस्यता खतरे में पड़ेगी, इसका पहले वो शिवसेना तो करे, अगर शिवसेना उनके पास कहाँ है। ओमकार जी, अरे इलेक्शन को आप उनके पास कहाँ है, वो विधायक बन के बने हुए हैं, वो शिवसेना नहीं कह सकते। नहीं क्यों नहीं, देखिए अगर इलेक्शन कमीशन में, अगर इलेक्शन कमीशन में इस चीज की वोटिंग होती है और वहाँ पे जो जीतेगा, अगर उद्धव की टीम जीतती है तो उद्धव के पास जाएगी, इनके पास आती है तो ये आएंगे। कोर्ट में अखिलेश यादव के केस में क्या हुआ था, यही तो हुआ था। एक सेकंड, बाबू अखिलेश यादव के केस में नारायण सिंह जी खुद जाके कहे आए थे उनको, एक मिनट बाबू खुद जाके आए थे, झारखंड में बाबूलाल मरांडी का केस इलेक्शन बहुत देर से परमवीर जी उन्होंने संख्या निर्धारित कर लिया। एक के मिश्रा जी कैसे जो कार्यकारिणी के सदस्य है वहाँ उनका महत्व रहता है। एक मिनट एक मिश्रा, इलेक्शन कमीशन में दूसरे लोग होते हैं, गलत तरीके से होती है, विधायकों का महत्व जो काम किया है वो मैं गिरा दूं। अब 7 साल में जो काम किया इन्होंने, नीति आयोग ने एक बनाया हुआ आंकड़ा और जिसमें देश को वो नंबर देते हैं हर साल कि कितने अंक इनको मिले, इनका लक्ष्य 2021 में गरीबी 2030 में ये किसी सूरत में नहीं जिता सकते हैं। ओमकार जी कुछ समझ आ रही है, मैं एक रिपोर्ट के साथ संजय जी को स्क्रीन पे, संजय जी ओमकार जी आप लीजिए, आपके नेटवर्क पे 136वें नंबर पे, 136वें नंबर पे इनका शिक्षा में दुनिया में नाम है, 147वें नंबर पे इनका स्वास्थ्य विभाग व्यवस्था में नाम है दुनिया में। ये मतलब आप समझिए इनकी इतनी बुरी हालत है जिसकी कोई सीमा नहीं है, और ये सिर्फ एक ही काम कर रहे हैं, कैसा कैसे तो मरोड़ के सत्ता को काबिज करें। सत्ता को काबिज करने के बाद देश की जनता को सुख तो दीजिए, क्योंकि बाप भारतीय जनता पार्टी के वो कह रहे हैं कि जीएसटी में बीजेपी के 12 राज्य इनके कह रहे हैं कि जीएसटी में जो 5 साल की सुविधा दी गई है हमको अधिक सहायता की, वो अभी और जारी रखी जाए। मतलब ये अपना अर्थव्यवस्था नहीं संभाल पा रहे हैं और ये खाली एक ही काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार। संजय जी रुक जाइए, आपकी जरूरत नहीं है, देख रहा हूँ भारत की स्थिति, इससे ऊपर 136 देश आगे है, 146 देश स्वास्थ्य व्यवस्था में आगे है, वो भी कोरोना में ही थे। ये बिकाऊ आंकड़े पर जाके कोई फायदा नहीं है। हाँ सर, कोई फायदा नहीं है, आपका आंकड़े पड़े कहाँ जाते हैं, नीति आयोग का आंकड़ा है, नहीं बिकाऊ नहीं है, नीति आयोग आपने बनाया है। ओमकार जी आप आंकड़े पढ़ते रहिए, आंकड़े कोई नहीं पढ़ता, वो सही कह रहे हैं, आंकड़े वाकड़े का खेल कोई नहीं करता। नहीं नहीं, संजय जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, पक्ष रखेंगे बीजेपी, हम नहीं, हम बीजेपी की तरफ और कांग्रेस की तरफ से नहीं है, जो प्रैक्टिकल चीज हो रही है हम वही बताएंगे। देखिए है क्या, देश किस चीज में नंबर वन पे है, कांग्रेस की सरकार में दिन दहाड़े एक तेली का गला काट दिया जाए, हम नंबर वन है दुनिया में, ऐसी घटना कहीं नहीं होती, एक एक साल धरना प्रदर्शन हो सर, हुई है, हम नंबर वन पे हैं। सुन लीजिए हम नंबर वन पे हैं, धरना देने में, एक साल तक धरना देने में, गवर्नमेंट के काम को रोकने में, सुन लीजिए बता रहा हूँ, लगातार 10-10 साल से नेताओं को गालियां देने का, ब्लैक फैमिली में, और सरकार कुछ ना करे, और हिंदुओं के कांग्रेस की सरकार 2013 में इसलिए चली गई थी कि एक गृह मंत्री थे शिंदे साहब महाराष्ट्र के, उन्होंने बोला था हम ऐसा बिल लाएंगे कि दंगा होगा तो बहुसंख्यक जिम्मेदार होगा, और सरकार चली गई। कहां आप पीछे पड़े, हम बहुत सारी चीजों में हम नंबर वन है, धरना करने में एक एक साल तक, नंबर वन तो है, 50 देशों से मदद लेने में, देश को तोड़ने में हम नंबर वन है, दोस्त नंबर वन तो हम उसमें भी है,
बहुत सारी चीजें हल्ला करने से काम नहीं चलता है। कमलेश तिवारी की हत्या को ढूंढ रहे, हत्या तो होती रहती है। कमलेश तिवारी की हत्या को ढूंढ रहे आप, किसलिए हत्या हुई? कमलेश तिवारी की हत्या को ढूंढ रहे हैं। राजस्थान में हत्या हुई है, कमलेश तिवारी की हत्या को आप ढूंढ गए? एक आपको ये याद है आप लोगों ने नंबर वन बना दिया है देश को सर। एक मिनट, नंबर वन तो उत्तर प्रदेश ने बना दिया है। गलती ना हुई तो होता, लेकिन ये कहिए कि खाली राजस्थान में हत्या हुई है, ये आपका कहना गलत है। हत्या जो हुई है जैसे राजस्थान में, वैसे लखनऊ में भी हुई है, वैसे ही क्या हुई है। प्लीज प्लीज, वक्त बहुत कम है, वक्त बहुत कम है। मेरा ये तर्क इसलिए था संजय जी आपसे कि ये सब बेरोजगारी, रोजगार है ना, सबसे बोरिंग विषय महंगाई, इन सब पर चर्चा होगी नहीं होगी। सरकार के भर्ती सब रुकी पड़ी है, इस पर भी फोकस होगा नहीं होगा सरकार बनने के बाद। खैर ये चिंताएं दूर हो, एक रिपोर्ट आई मैंने देखा। एक सेकेंड ओंकार जी, ओंकार जी प्लीज एक सेकेंड, मैं एक रिपोर्ट दिखाना चाह रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ ओंकार जी आपके पास सर, एक मिनट आ रहा हूँ। संजय जी एक रिपोर्ट दिखाना चाह रहा हूँ। ये जी दिखाइए। वैसे तो वो है गैस सिलेंडर तो सबके घर में भी है, आपके घर में भी होगा। ये गैस सिलेंडर कितने का आता है सर आपके घर में? मेरे यहाँ आईजीएल लगा हुआ है। अच्छा अच्छा, आपके यहाँ आईजीएल लगा। आप कहना चाहते हैं कि गैस महंगा हो गया? नहीं नहीं, ये तो सर कोई नई बात है। मैंने रशिया यूक्रेन की लड़ाई आपको दिख नहीं रही पूरे वर्ल्ड में? उससे पहले भी था। पूरे वर्ल्ड में गैस महंगा है? हाँ, पूरे वर्ल्ड में। हिंदुस्तान में नहीं है सर। हम हिंदुस्तान की बात इसलिए करते हैं, सुनिए, हम हिंदुस्तान की बात विपक्षी पार्टी इसलिए करती है। हो गया सर, चिंता है कि गैस महंगा हो गया और जान सस्ती हो गई। मिश्रा वो चिंता नहीं है, आप जान सस्ती हो गई। कुछ हो गया, इसकी चिंता है। कोई अपराध हो सकता है क्या? संजय जी इस देश के अंदर चिंता जरूर है उसकी। मतलब देखिए, मतलब दुनिया जानती है कि अभी अभी यूक्रेन और रशिया की लड़ाई हो रही है, जान पूरे विश्व में गैस महंगा है, आपको गैस की बड़ी चिंता छाई हुई है। आपने कत्लेआम कर दिया और गैस महंगा हो गया, मोदी जी को गाली गलौज कर दिया। सवाल तो सुनना नहीं, चर्चा नहीं करना है। सर सवाल तो सुन लो, ये मॉब लिंचिंग है। एके मिश्रा, गैस महंगी हो गई आपके लिए डिबेट का विषय नहीं है, मैं जानता हूँ। एक मिनट रुक जाइए, सवाल सवाल आपके लिए पूछा है, डिबेट का विषय नहीं है। सवाल पूछा मैंने, छोड़ के जितनी पार्टियां हैं यहाँ, कांग्रेस मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है, सवाल कर, और मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति में हिंदुओं की बलि चढ़ाई जा रही है। सवाल कर लो, महत्वपूर्ण नहीं है। गरीब गरीब हिंदुओं गैस महंगी हो गई, वो बहुत होना चाहिए विचार, उस पे कुछ नहीं बोलेंगे वो आकर के चिंता। आपके घर में गैस सिलेंडर कितना? आप गुस्सा हो गए, लगता है कि बिल करोड़ चावला अपनी अस्मिता की रक्षा करना एक मूल कर्तव्य है। कहां गरीबी है चावला जी बताइए ना, जरा इस पे भी डिबेट कर लीजिए। कितना लाने वाले को दिया जाएगा? एक के मिश्रा, एक के मिश्रा,
पैसों की कहां कमी है, रोजगार की किसको चिंता है। जब 1 करोड़ रुपए गला काटने से मिल रहा है तो कोई हमारे हाथ की तरह 9 घंटे की नौकरी करेगा? चावला जी एक बात बताओ, मिल रहे हैं गला काटने, बेरोजगारी के कितने आंदोलन हुए मोदी सरकार में? मैं जानता हूं नहीं है मोदी सरकार में इस टॉपिक पे बात कर लो। ये विषय ऐसा है जो विकट जुबान पे चलता है। प्याज का दाम है, बेरोजगारी है, बोल बाल के अपना टाइम पास करने का 2 रुपए किलो बढ़ गया लेने वाला खराब हो जाएगी। एक मिश्रा अच्छा पक्ष रखे बीजेपी का, संजय जी आप बीजेपी का बहुत अच्छा पक्ष रखते हैं, वो एक मिनट रुक जाइए। अरे मैंने देश का पक्ष रखा है, जान सस्ती हो गई वो मुद्दा है कि गैस 10 रुपए महंगी हो गई वो मुद्दा। आपने सवाल सुना था, आपने सवाल सुना था, मैंने आप चावला जी जवाब दीजिए। मैंने सवाल पूछा, जान सस्ती हो गई ये मुद्दा होना चाहिए कि गैस 50 रुपए महंगी हो गई ये मुद्दा होना चाहिए? सवाल सुना था, यानी बेरोजगारी हम भी आज हम सवाल पूछ रहे हैं, बताइए आप। सवाल सुना नहीं आपने, जब 1947 में लाश मार मार के काट के भेजा गया था ना, उस समय नुपुर शर्मा का जन्म नहीं हुआ था? संजय जी नुपुर शर्मा का जन्म नहीं गया। चावला जी एक चीज ये बताइए, ये थैंक यू, इन्होंने राजस्थान में एक के मिश्रा जी मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, थैंक यू। मेरे को मालूम ही था, मेरे को था कि एक प्रवक्ता बुलाया बीजेपी का, तीन तीन प्रवक्ता, दो दो प्रवक्ता बुला लिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया एके मिश्रा जी, आपने अपना इतना ज्ञान बढ़ाया पूरे देश की जनता का, बहुत बहुत शुक्रिया। ओमकार जी थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। जिन्होंने हत्याकांड किया उनका नाम क्या है बताइए? वक्त इजाजत नहीं दे रहा, सवाल मेरा ये नहीं था, सवाल कल लेकर आऊंगा। थैंक यू सो मच, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।